बॉलीवुड, ये शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नाम, शोहरत, बेशुमार पैसा, है ना। और ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पर ये तो उन लोगों के लिए है ना जो कि शाहरुख और सलमान जैसे बड़े स्टार्स बन पाए हैं। मगर उन एक्टर्स का क्या जो कभी उतने बड़े स्टार बन ही नहीं पाए? आखिर ये सब फ्लॉप होने के बाद भी आज इतनी जबरदस्त लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? आखिर ये इतने मजे करने के पैसे आ कहां से रहे हैं? अरे पंगा क्या है भैया? अब ये देखो, ना तो इनके पास कोई फिल्म है, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट है, और ना ही इनको कोई टीवी शो के ऊपर बुलाता है। क्यों? ये रहा जवाब। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। दो लड़कों ने एक लड़की से प्यार किया भैया। वो कह रहा है हम प्यार करते हैं आपसे, वो किसी तीसरे के साथ चली गई और दोनों आपस में लड़ते रह गए, जिसके बाद सलमान भाई विवेक ओबरॉय का पूरा करियर खा गए। लेकिन इसके बावजूद भी आज विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ 148 करोड़ से भी ज्यादा है। पर कैसे? आखिर ये इतना सारा पैसा उनके पास आया कहां से? और ये कोई एक एक्टर नहीं है, बल्कि सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, उदय चोपड़ा, अर्जुन कपूर, ये सारे फ्लॉप एक्टर्स आज राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि अभिषेक बच्चन, जिन्होंने गिनती की कुछ हिट फिल्में करी है, आज उनकी पर्सनल नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब ये हुआ कैसे? आखिर इन सभी फ्लॉप एक्टर्स ने ऐसा किया क्या जो आज ये लोग करोड़ों कमा रहे हैं? और सबसे जरूरी कि आखिर वो कौन से पावरफुल लेसन हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, देश के सबसे बड़े फ्लॉप एक्टर फिल्म्स, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सक्सेस या फिर फेलियर होने का ना कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता। जैसे अगर अक्षय कुमार की बात करें, जो कि इंडिया के टॉप सुपरस्टार्स में से एक है, उनके करियर की भी लगभग 50% फिल्में फ्लॉप गई हैं। लेकिन फिर भी साल 2017 से लेकर 2022 तक वो हमारे देश के वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स में से एक थे। लेकिन अगर इन 5 सालों में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को गिना जाए तो उनकी 16 फिल्मों में से सिर्फ 4 ही सुपरहिट रही हैं, जिसमें आती है 2.0, गुड न्यूज, मिशन मंगल और सूर्यवंशी। इसके अलावा उनकी बाकी सारी फिल्में फ्लॉप। पर एक सेकंड भैया, जब फिल्में ही नहीं चली तो फिर आखिर अक्षय कुमार ने इतना पैसा कमाया कैसे? तो देखो, इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि आखिर फिल्म्स का बिजनेस काम कैसे करता है। अब देखो, इस पूरे गेम में मेनली ये 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें पहले आते हैं इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में उस फिल्म में पैसा डालते हैं, जो कि बजट डिसाइड करते हैं कि आखिर फिल्म बनाई कितने की जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोड्यूसर्स। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में पैसा देते हैं कि सर आप फिल्म बनाइए, और प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो कास्ट को सिलेक्ट करे, आखिर कौन सा एक्टर लेना है, कौन सा एक्टर नहीं लेना है, कौन सा क्रू रखना है, कहां पे शूट होना है, ये सारी चीजें वो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। एंड फाइनली जब प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाकर खत्म कर देता है तो उसके बाद ये फिल्म पहुंचती है तीसरे स्टेक होल्डर के पास, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स इन प्रोड्यूसर्स से उस फिल्म को परचेज करते हैं, बेसिकली उसके राइट्स परचेज करते हैं और उनको अलग अलग सिनेमाज में दिखाते हैं, जिससे कि उनको पैसा आता है। अब यहां पे कुछ लोग पूछेंगे कि मान लो अगर कोई फिल्म OTT के लिए हो तो वहां पे क्या होगा? तो देखो, अब अगर कोई भी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाती है तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिस्ट नहीं करते। मेनली जो OTT प्लेटफॉर्म होता है वो डायरेक्टली उस प्रोड्यूसर से उस पर्टिकुलर फिल्म के राइट्स परचेज कर लेता है और उसको अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाता है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर वो OTT प्लेटफॉर्म अपने ही इन हाउस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उस पर्टिकुलर फिल्म को प्रोड्यूस कराता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है, तो यहां पर नेटफ्लिक्स ने खुद उन फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है, उन सीरीज को प्रोड्यूस किया है। पर चलो, ये तो थी इन्वेस्टमेंट की बात कि भैया पैसा लगा है। अब आखिर पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसा बनता कैसे है? तो देखो, ये पाई चार्ट देख रहे हो, ये है एक फिल्म का टोटल रेवेन्यू। अब इस टोटल रेवेन्यू में से करीब 50% तो आता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, यानी कि आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए तो वहां पर जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसके अंदर पहले तो आते हैं म्यूजिक राइट्स, जो कि करीब 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो भी गाने उस फिल्मों में होते हैं उसके भी राइट्स बिकते हैं और उसके लिए
भी फिल्म वालों को पैसे मिलते हैं। उसके बाद आते हैं टीवी राइट्स। जब भी ये फिल्म टीवी पर आएगी तो उसके लिए भी राइट्स परचेज होते हैं, तो वो भी करीब 10% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और फाइनली आते हैं ओटीटी स्ट्रीमिंग के राइट्स, जो कि करीब 10% के आसपास होते हैं और ये टोटल मिलाकर बनता है 30%। अब ये जो स्ट्रीमिंग राइट्स हैं, चाहे वो ओटीटी का हो चाहे वो टीवी का हो, ये वेरी करते हैं, ये हमेशा फिक्स नहीं होते कि 10% ही होगा। फिल्म टू फिल्म इनका नंबर बदल सकता है। लेकिन रुको, अभी भी 20% बाकी है, तो उसमें जो 10% है वो 10% आता है फिल्म के इन ब्रांड प्रमोशंस से। जो फिल्म्स में आपने इन ब्रांड प्रमोशंस देखे ना, उन सब के लिए भी फिल्म वालों को पैसे मिलते हैं, और बाकी का 10% आता है उस फिल्म की इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये सारे पैसे कलेक्ट करने के बाद जो फिल्म बनाने में एक्चुअली में पूरा खर्चा हुआ है उसको हटाने के बाद बचता है उस पर्टिकुलर फिल्म का प्रॉफिट, जो कि उस पर्टिकुलर फिल्म के इन्वेस्टर्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पर यहाँ पर एक कैच है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें जो एक्टर्स हैं उनका जो पैसे कमाने का तरीका है वो तरीका काफी अलग है, और एक्टर्स मेनली इन तीन अलग अलग मॉडल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला आता है द फ्रंट फी मॉडल, जहां पर एक्टर्स एक अपफ्रंट फी चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर फिल्म के प्रोड्यूसर से, जहां पर जो प्रोड्यूसर है वो स्टार्टिंग में एक टोकन अमाउंट देता है, उसके बाद स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट देता है जब फिल्म साइन हो जाती है, और उसके बाद जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है तो बाकी का बचा हुआ फाइनल अमाउंट उस एक्टर को दे दिया जाता है। अब इसके कई एग्जांपल्स हैं, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, राजकुमार राव, ये सारे एक्टर्स हैं जो कि अपफ्रंट फी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। फिर आता है ये दूसरा मॉडल, जो कि है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, जहां पर जो एक्टर्स होते हैं वो अपफ्रंट कोई चार्ज नहीं करते हैं, पहले पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि उस फिल्म के प्रोड्यूस होने के बाद, रिलीज होने के बाद जो प्रॉफिट बचते हैं उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन लेते हैं, कुछ अपना कट लेते हैं। अब इसके बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आमिर खान है जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जैसे उन्होंने दंगल में किया था। सिमिलरली बजरंगी भाई के अंदर सलमान खान ने भी करीब 150 करोड़ रुपए निकाले थे प्रॉफिट में से, मतलब फिल्म का जो प्रॉफिट था वहां से निकाले थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बजरंगी भाईजान ने 600 करोड़ रुपए से भी ऊपर का रेवेन्यू किया था। सिमिलरली एसआरके भी इसी मॉडल पे काम करते हैं कि फिल्म का प्रॉफिट होगा तो वहां से कुछ कट ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई अपफ्रंट फी चार्ज नहीं करते हैं। और इन सब के बाद आता है ये तीसरा मॉडल, जो कि है हाइब्रिड मॉडल। अब देखो, यहां पर जो एक्टर्स होते हैं ये अपफ्रंट फी और एक परसेंटेज शेयर, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन चार्ज करते हैं। बट इन दिस केस होता ही है, जो अपफ्रंट फी होती है वो काफी कम होती है, बहुत ही मिनिमल सी होती है, बट जो परसेंटेज शेयर होता है वो अच्छा खासा होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के चलते एक्टर्स पैसा कमाते हैं। अब इसका फायदा भी होता है, फायदा ये होता है कि एक्टर ने जो अपफ्रंट फी चार्ज करी है उससे उसको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल गई, और प्रोड्यूसर को भी कोई बहुत बड़ा अपनी जेब के ऊपर लोड नहीं लेना पड़ा कि भैया स्टार्टिंग में इस एक्टर को इतना पैसा देना पड़ गया है, वो बाद में देंगे ज्यादा पैसा जब फिल्म कमाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में एक्टर को थोड़ा पैसा दे दिया ताकि उसका भी अपना चलता रहे। पर ये जो मॉडल होता है ना, ये ज्यादातर बड़ी बजट की फिल्मों के लिए होता है, क्योंकि यहां पर जो एक्चुअली में एक्टर का स्टारडम है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस पर्टिकुलर फिल्म की सक्सेस के अंदर, तो प्रोड्यूसर को भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होती है, और अधिकतर केसेस में प्रोड्यूसर्स बड़े एक्टर्स को लेते हैं ऐसी फिल्मों में, और उन्हीं के साथ वो लोग हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, सलमान खान जो कि नॉर्मली अपनी एक फिल्म के लिए करीब 50-70 करोड़ रुपए के आसपास लेते हैं, उन्होंने अपनी फिल्म सुल्तान के लिए प्रॉफिट शेयरिंग ली थी करीब 110-150 करोड़ रुपए के आसपास, क्योंकि उनकी फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था वो 600 करोड़ के ऊपर था। तो यहां पर सलमान खान ने किया क्या, उन्होंने जो उनकी अपफ्रंट फी है 50-70 करोड़ रुपए, उन्होंने वो नहीं लिया, उन्होंने बहुत ही मिनिमल पैसा लिया स्टार्टिंग में, और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट के अंदर एक हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि देखो भैया, सलमान खान फिल्म कर रहा है, जब इतना बड़ा एक्टर फिल्म करता है और सलमान खान के नाम पर मूवी बिकती है तो जाहिर सी बात है कि मूवी कमाएगी, और जब मूवी अच्छा कमाएगी तो प्रोड्यूसर को भी कोई दिक्कत नहीं होती एक्टर को पैसा देने में, क्योंकि भैया सिंपल है ना, अगर सलमान खान की जगह फरदीन खान को ले लेते तो थोड़ी ना पिक्चर 600 करोड़ कमाती, तब तो कोई देखने भी नहीं आता। तो क्योंकि सलमान खान को लिया इसलिए पिक्चर अच्छी खासी चली, और क्योंकि पिक्चर अच्छी खासी चली इसलिए सलमान खान को एक अच्छा खासा परसेंटेज शेयर मिल गया। लेकिन यहां पर मजेदार बात तो ये कि ये सिर्फ फिल्म से आने वाला पैसा है, बल्कि शाहरुख, सलमान, अक्षय, अगर आप देखोगे तो ये सारे एक्टर्स एक्चुअली में मोटा पैसा फिल्म से कमाते ही नहीं है, इनकी एक्चुअल कमाई तो कहीं और से आती है। पर वो कैसे? तो देखो, इस चीज को समझने के लिए ये समझते हैं कि आखिर एक पर्टिकुलर एक्टर किन किन तरीकों से पैसे कमाता है। देखो, किसी भी एक्टर के ये दो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें पहला सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स। अब इन प्राइमरी सोर्सेज के अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि पहले नंबर पे आता है फिल्म फी। जब कोई एक्टर कोई फिल्म करता है तो उसको वो फिल्म करने के पैसे मिलते हैं। अब हो सकता है कि वो अपफ्रंट फी हो सकता है वो रेवेन्यू मॉडल हो सकता है कि वो हाइब्रिड मॉडल हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब वो फिल्म में काम करता है तो उसको वहां से पैसा मिलता है। पर भैया पैसा कितना मिलेगा?
तो देखो ये चीज भी डिपेंड करती है कि आखिर उस एक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो उस पर्टिकुलर फिल्म में रोल कौन सा कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं टेलीविजन शोज। देखो बहुत सारे एक्टर्स टीवी शो को होस्ट करते हैं और ये करने के लिए भी उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जैसे कि एक शो आया करता था सत्यमेव जयते, जिसको आमिर खान होस्ट करते थे, और इस शो को होस्ट करने के लिए उनको पर एपिसोड 3 करोड़ रुपए मिलता था। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं ओटीटी शोज। देखो ओटीटी के ऊपर जितने भी शोज होते हैं, सीरीज होती है, मूवी टेलीकास्ट होती है, इन सबके अंदर भी एक्टर्स को परफॉर्म करने के लिए अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सलमान खान को बिग बॉस ओटीटी को होस्ट करने के लिए हर एक एपिसोड के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर आता है ये चौथा तरीका जो कि है एंडोर्समेंट्स। अब देखो एंडोर्समेंट्स के अंदर भी ये दो अलग अलग तरीके की एंडोर्समेंट्स होती हैं। पहला एंडोर्समेंट होता है एड एंडोर्समेंट, जहां पर डील के अंदर एक एड में एक पर्टिकुलर एक्टर को फीचर होना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करनी पड़ेगी और उसके उसको पैसे मिलेंगे। पर फिर दूसरे नंबर पे आती है एंबेसडरशिप्स, जहां पर एक पर्टिकुलर एड के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल एड्स, मल्टीपल प्रमोशनल कैंपेन्स के लिए उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जहां पर भी वो ब्रांड दिखाई देगा वहां पे उस पर्टिकुलर एक्टर का फेस यूज किया जाएगा, वही एक्टर उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा, इसको कहते हैं एंबेसडरशिप। जैसे कि इसका एग्जांपल है शाहरुख खान बने थे बायजूस के एंबेसडर, उसी तरीके से धोनी बने थे ड्रीम इलेवन के, कल्याण ज्वेलर्स के, आज भी आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन है। तो ये सारे लोग इन पर्टिकुलर ब्रांड्स के साथ सिर्फ एड नहीं करते बल्कि ये सब इन ब्रांड्स के एंबेसडर हैं। अब इन सारी चीजों के बाद आता है इनकम का दूसरा टाइप का सोर्स जो कि ये सेकेंडरी सोर्सेज। अब इन सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि पहले नंबर पे आता है प्रोडक्शन हाउस। बहुत सारे एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, इन सबके पास अपने खुद के प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहां पर ये खुद फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इन प्रोडक्शन हाउसेज की फिल्म्स हिट होती हैं तो ये एक्टर्स खूब पैसा कमाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं बिजनेस वेंचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। देखो पिछले कुछ साल में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा बूम की है और इसी के चलते कई सारे एक्टर्स ने अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर भी पैसे इन्वेस्ट करे हैं। जैसे कि हमने शुरू में विवेक ओबरॉय की बात करी थी, तो उन्होंने भी काफी सारे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। पर पता है अगर न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स की बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। देखो साल 2015 में अमिताभ बच्चन ने एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म था जीडू, उसके अंदर 1.6 करोड़ रुपए डाले थे। पर पता है साल 2017 में लॉन्ग फिन कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर करती है और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड सॉल्यूशंस बनाने के लिए आगे एक्सपैंड करती है, जिसका सिंपल सा काम यह था कि अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स वो लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए माइक्रो फाइनेंसिंग को एनेबल कर पाए। और पता है ये करते ही उस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन 70 गुना बढ़ जाती है, मतलब कि अमिताभ बच्चन के डाले हुए 1.6 करोड़ रुपए 114 करोड़ रुपए बनकर बाहर निकलते हैं। पर फिर कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपना खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश करने में ज्यादा यकीन रखते हैं, जैसे कि सैफ अली खान का ब्रांड है हाउस ऑफ पटौदी, उसके बाद ऋतिक रोशन का ब्रांड है HRX। अब यहां पर एक्टर तो नहीं है लेकिन विराट कोहली के भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि रॉन्ग उनका ब्रांड है, 18 उनका ब्रांड है। तो ये सारे लोग अपने खुद के ब्रांड्स बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनके खुद के जिम्स हैं, होटल चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि साहिल खान, जिनकी स्टाइल और एक्सक्यूज मी के अलावा और कोई फिल्म नहीं चली, आज उनकी भी अलग अलग शहरों के अंदर लाइव फिटनेस नाम की जिम फ्रेंचाइजीज हैं। ऐसी मिथुन चक्रवर्ती हैं जिनकी अपनी खुद की होटल्स की चेन है। और तो और कुछ एक्टर्स जैसे कि सुनील शेट्टी, चंकी पांडे, जैकलिन फर्नांडिस, अर्जुन रामपाल, इन सारे एक्टर्स के अपने खुद के रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग शहरों में। अब आता है ये तीसरा नंबर जो कि है परफॉर्मेंस एट वेडिंग्स। अब आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ऐसी कई सारी हाई प्रोफाइल शादियां होती है जहां पर ये एक्टर्स जाकर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये सब लोग रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, कियारा आडवाणी, न जाने कितने एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग शादियों में जाकर परफॉर्म करते हैं और इसके लिए भी इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। यहां तक कि साल 2019 में रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया था कि अब वो रेडी हैं ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए जहां पर उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया जा सकता है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं इनॉग्रेशंस एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स। देखो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करती हैं, इनॉग्रेशंस करती हैं, कोई भाई नया ऑफिस खोला है, नया जिम चेन खोला है, कुछ भी खोला है, इन सारी चीजों के लिए भी इन एक्टर्स को बुलाया जाता है। और जब इन एक्टर्स को बुलाया जाता है तो इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उसके लिए भी। फिर ये पांचवा नंबर आता है जो कि ये सोशल मीडिया एंडोर्समेंट्स। अब देखो ये टीवी एड की तरह नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के जमाने में अब काफी सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ गए हैं और आज की डेट में हर एक्टर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर एक एक्टर इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद है। अब देखो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाता है इन एक्टर्स के थ्रू, तो ये एक्टर्स उस पर्टिकुलर पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर डालने का भी पैसा लेते हैं। जैसे कि सोनम कपूर, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पीक टाइम पर उनकी 48% ट्वीट्स हमेशा ब्रांड रिलेटेड होती थी। पर एक सेकंड,
यार ये जितने भी एक्टर्स हैं जिनका खुद का बिजनेस है, ये लोग आखिर इस बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं? ये लोग तो एक्टिंग में बिजी रहते होंगे यार, शूटिंग पे बिजी रहते होंगे, तो इनका बिजनेस आखिर चल कैसे पा रहा है? तो देखो इसको शाहरुख खान के एग्जांपल से समझाता हूँ। शाहरुख खान जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल टीम के को ओनर है, वो काफी बार आईपीएल के मैचेस में जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, पर वो टीम के जो डे टू डे ऑपरेशन है ना उनमें नहीं बैठते हैं, वो सारी चीजें संभालते हैं वेंकी मैसूर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ है। अब देखो शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स में पैसा तो डाला हुआ है, वो बिजनेस उनका तो है, लेकिन वहां पर वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहते, वो सिर्फ तब इन्वॉल्व रहते हैं जब कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डिसीजन लेना हो। और ये चीज बाकी एक्टर्स के साथ भी होती है, ज्यादातर एक्टर्स अपने बिजनेसेस को को-ओन करते हैं, वो एक पार्टनर लेकर आते हैं जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऑपरेशंस को संभाले, और ये लोग पैसा डालते हैं और सिर्फ तभी सामने आते हैं जब कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना हो। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो किसी भी एक्टर की जो फाइनेंशियल सक्सेस है ना वो उनकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मगर हाँ, यहाँ पर जो उस पर्टिकुलर एक्टर का स्टारडम है ना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसको स्टारडम से काफी सारा पैसा आ जाता है, और जब वो उस पैसे को बाद में आगे काम पर लगाता है तब उसके पास और पैसा आता है। तो अगर स्टारडम ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा भैया? लेकिन एक मिनट, ये तो उन एक्टर्स की बात थी ना जो कि सक्सेसफुल हो रखे हैं। अरे भैया उनका क्या हुआ जो कि फ्लॉप हो गए हैं, जिनका एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है? आखिर वो लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं? आपको अली याद है? हाँ यही। ये आपको आज दूर दूर तक किसी भी फिल्म या किसी भी एड में दिखाई भी नहीं देगा, मगर पता है शायद ही किसी को मालूम है कि उदय चोपड़ा हॉलीवुड के एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं। इनफैक्ट साल 2015 में उनकी प्रोड्यूस करी गई फिल्म ग्रेस ऑफ मोनाको को आउटस्टैंडिंग टेलीविजन फिल्म का एमी नॉमिनेशन भी मिला था। यहाँ तक कि अगर मैं आपको और बताऊं तो योमिक्स वर्ल्ड के नाम से उनकी एक कॉमिक बुक की भी कंपनी है। फिर जो मोहब्बतें फिल्म है उसका जो दूसरा एक्टर है जुगल हंसराज, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। देखो उनका एक्टिंग में कुछ ज्यादा खास हो नहीं पाया तो उसके बाद वो डायरेक्शन में आ गए और उनको नेशनल अवार्ड मिला है। सीरियसली उनकी डायरेक्ट करी गई फिल्म रोडसाइड रोमियो को साल 2009 में बेस्ट एनिमेशन फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था, और आज की डेट में वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर हेड ऑफ क्रिएटिव डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। फिर ऐसी अर्जुन रामपाल है जो कि एक सक्सेसफुल मॉडलिंग करियर के बाद एक्टिंग में घुसते हैं, लेकिन एक्टिंग करने के बाद उनका करियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है जिसका नाम है चेजिंग गणेशा, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है। यहां तक कि वो दिल्ली के अंदर एक प्रीमियम मेंबर्स ओनली क्लब रन करते हैं जिसका नाम है लैब। और पता है अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ भी आज 125 करोड़ रुपए से ऊपर है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको उन एक्टर्स के मिल जाएंगे जिनका बॉलीवुड के अंदर तो करियर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन आज की डेट में वो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल जीते हैं जो कई सारे स्टार्स तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर वो कौन से पावरफुल लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला लेसन है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब ये आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अभी इस वीडियो में हमने जितने भी एक्टर्स की बात करी उन सारे एक्टर्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज ये है कि उनका पैसा किसी एक जगह से नहीं आ रहा, वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करके बैठे हैं और उनका एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से अच्छा खासा पैसा आ जाता है। तो देखो ये कहना बहुत आसान है लेकिन आप अपने बिजनेस के साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं उनका यूज करके और भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप करो। अब देखो इसमें टाइम लग सकता है लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। और यहां पर एक चीज होती है, देखो आइडल केसेस में ना आपका जो मेन पैसा है वो एक बड़ी चीज से आना चाहिए, लेकिन बाकी छोटी छोटी चीजों से आपका थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि जितना पैसा आपकी मेन चीज से आ रहा है उतना ही पैसा आपकी बाकी चीजों से भी आए, और ये सेम चीज एक्टर्स के साथ भी हमने देखी है। मैं देखो सिंपल सी बात है, सलमान खान एक पिक्चर करने का 50 से 70 करोड़ रुपए लेता है लेकिन वो एक एड करने का तो इतना पैसा नहीं लेता है, तो एड करने के लिए उसको पैसे कम मिलते हैं लेकिन वो एड भी करते हैं और वो फिल्म भी करते हैं, तो फिल्म से भी पैसा आ रहा है एड से भी पैसा आ रहा है। अब आता है ये दूसरा लेसन जो कि है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देखो जब भी आप पैसा कमाते हो ना तो उस पैसे को किसी भी एक जगह पर मत लगाओ, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिफाई करो। अब इसका फायदा ये होता है कि एक चीज अगर डूब जाएगी तो दूसरी चीज आपको थोड़ा ठीक ठाक कमाकर दे देगी, या फिर अगर कमाकर नहीं भी दे रही है तो आपका कैपिटल तो सेफ है, सारा कैपिटल एक चीज में डूबा तो नहीं। सिंपल है, अगर आप अपनी फिक्स्ड इनकम से कमाए हुए पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहे, तो आपकी जो जिंदगी है ना वो फाइनेंशियल
फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल चलती है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि अरे ये तो एक्टर्स हैं, ये तो पहले से ही करोड़ों में कमाते हैं, इनके लिए करना तो बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ऑब्वियसली कैपिटल से फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास कम कैपिटल भी है और आप आज से ये चीज करना शुरू करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके डिसिप्लिन में आ जाएगा, और जब आप अपनी इनकम बढ़ाओगे आपका कैपिटल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो आपको ये जो हैबिट आपने डेवलप करी है ना ये बहुत काम आएगी। और इन सब के बाद आता है ये तीसरा और सबसे पावरफुल लेसन, जो कि है अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस। अब देखो वो जमाना चला गया कि आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही काम करते रहोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप उसमें सक्सेसफुल होते हो या फिर आप उसमें फेल हो जाते हो। जैसे कि जुगल हंसराज और उदय चोपड़ा का एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर आप इनको देखोगे, इनका एक्टिंग करियर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं एक्टिंग में, इन्होंने तो एक्टिंग करी नहीं ढंग से। देखो ये लोग एक्टिंग को लेकर पैशनेट तो थे मगर ये लोग अच्छे एक्टर्स नहीं बन पाए। अब अगर अच्छे एक्टर्स नहीं बन पाए तो भैया क्या करें, फिल्म इंडस्ट्री में और भी तो जगह है, और भी तो चीजों पर काम होता है, तो इन्होंने वहां पर काम करना चालू किया। उदय चोपड़ा प्रोड्यूसर बन गए और जुगल हंसराज आज की डेट में डायरेक्टर बन गए। लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई दूसरा करियर ऑप्शन ट्राई कर रहे हो तो आप उससे पहले अपना एक अच्छा सा फाइनेंशियल बेस बना लो। आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए और थोड़ी सी सेविंग्स होनी चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरे करियर ऑप्शंस ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि वो ना चले। अगर ना चले तो आपके पास एटलीस्ट थोड़ी फाइनेंशियल बैकिंग तो होनी चाहिए। देखो फिल्म्स का जो बिजनेस होता है ना उसमें पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती है। जरूरी नहीं होता कि अगर आपको आज पैसा आ रहा है तो आपको कल भी पैसा आएगा। एंड दैट इज द रीजन कि हर एक एक्टर जिसने इस चीज को समझ के स्मार्टली अपनी प्लानिंग करी है ना, वो आज की डेट में एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब देखो फिल्म्स की बात हम कर ही रहे हैं तो एक और आपको बात बताता हूं, जियो सिनेमा जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो रहा है वो कुछ ऐसा कर रहा है जो ज्यादातर लोगों को बाहर से देख के समझ में ही नहीं आ रहा। पता है आपको, जियो सिनेमा ने एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज करी जिसने उसका मार्केट पेनिट्रेशन रेट 10% से बढ़ाकर 40% कर दिया, और आज की डेट में जियो सिनेमा एक ऐसा गेम खेल रहा है जो हो सकता है आने वाले टाइम में बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स की दुकान बंद कर दे। पर ये सब कुछ हो कैसे पा रहा है भैया? जियो सिनेमा आखिर कर क्या रहे हैं, आखिर वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आखिर जियो सिनेमा के पास ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स के पास नहीं है? अगर आप भी ये सारी चीजें जानना चाहते हो ना तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना, सब समझ में आ जाएगा।